देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर सामने आई है वाराणसी से। आज प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन के द्वारा छात्र कल्याण केंद्र BHU में मालवीय जयंती कार्यक्रम हिंदी तिथि से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एक संगोष्ठी का भी आयोजन था जिसका विषय था विज्ञान और तकनीक में मालवीय जी की दृष्टि, जिसमें मुख्य वक्ता रामनगर PAC के कमांडेंट BHU के पूर्व छात्र डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी रहे। अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने कहा कि मालवीय जी ने 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृत शिक्षा की जो परिकल्पना की थी वो आधुनिक भारत में आदर्श शिक्षा का केंद्र BHU बनेगा। कार्यक्रम में 101 प्रबुद्ध जनों, जिसमें BHU के अध्यापक गण, शिक्षक, कर्मचारी गण, छात्र छात्राएं, BHU के पूरा छात्र गणों और 17 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को मालवीय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए इस कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर त्रिपाठी, BHU क्या कहना है उनका। मैं डॉक्टर शैमेन मणि त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर लॉ फैकल्टी BHU। सर, किस तरह का आज कार्यक्रम हुआ और क्या था ये? आज छात्र कल्याण केंद्र में आज मालवीय जी की हिंदी तिथि से मालवीय जयंती का कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी फाउंडेशन के माध्यम से आयोजन किया गया। आयोजन में हम लोगों ने एक संगोष्ठी का एक विषय रखा था कि मालवीय जी की दृष्टि में विज्ञान और तकनीक का क्या उनकी दृष्टि थी, यह इस विषय पर हमारे आज मुख्य वक्ताओं में प्रोफेसर NK दुबे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी, प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर NK दुबे ने की। अन्य अतिथियों में प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, श्री प्रजनाथ शर्मा, डॉक्टर पद्मनाभ द्विवेदी, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर सीमा तिवारी रहे। आपको बता दें कार्यक्रम में दुर्गा प्रसाद गुप्ता, श्रीमती रेखा शर्मा, श्री अनिल श्रीवास्तव, श्रीमती ऋतु पांडे, श्रीमती अनुराधा यादव और अमित यादव उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।